एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, उसके साथ साथ अपनी सेहत का, अपनी स्किन का और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे आज आप लोगों ने रिप्लाई करके बताना है कि आप में से कितने लोगों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है। जिसकी एक भी हुई हुई है वो भी ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन कराते जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन जो है वो एक अकेली चीज़ है जिसको करने के बाद हम लोग हर्ड इम्यूनिटी ले सकते हैं। अगर 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, उनको भी लग जाती है वैक्सीनेशन, तो बहुत बचत हो जाएगी और हम बहुत हद तक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ, सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोग जो है वो फेसबुक और उसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब पे इकट्ठे लाइव साइमल्टेनियसली लाइव जा रहे हैं। तो लेकिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, हमसे बातचीत करनी है, उन्होंने हमें ज्वाइन करना है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे आके ही आप हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन इशू है। और क्या इशू है जी? वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं कील मुहासे। हम दानों की, पिंपल्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की, यानी कि कील मुहासे, जिनको उर्दू में कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी निशानी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप सफ़र कर रहे हैं वाइट हेड्स से और ब्लैक हेड्स से। ठीक है, जो वाइट हेड्स होते हैं वो क्लोज्ड कॉमेडोन्स होते हैं, उनका मुंह जो है वो ऊपर से बंद होता है और वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक वाइट कलर का चीज़ी सा मटेरियल होता है जो कि बेसिकली सीबम होता है या सेबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती हैं, और इसका मुंह ऊपर से बंद होता है और चीज़ी वाइट कलर जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो बेसिकली ओपन कॉमेडोन्स होते हैं, उनका मुंह ऊपर से ओपन होगा और उसमें आपको एक ब्लैक कलर नज़र आ रहा होता है। वो किस वजह से होता है? वो कैरेटिन का प्लग होता है, यानी कि उसमें कैरेटिन होती है और उसके साथ डर्ट और डस्ट वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो तरह के जो है वो क्या कहते हैं, कॉमेडोन्स होते हैं, जिनको हम वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स कहते हैं। अब आ जाता है कि ये बनते क्यों हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ बनेगी कैसे या बन क्यों रही है, तो हम उसे कवर अप कैसे करेंगे और उसे ठीक कैसे रखेंगे। तो ये बनते क्यों हैं? ऐसा होता है कि जब सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं या ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो सीबम थोड़ा ज़्यादा बनेगा। अगर उसके साथ साथ आप पोर्स की सफाई नहीं करेंगे, पोर्स की क्लिंजिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वाइट हेड्स बन सकते हैं। ठीक है जी, और उसी तरह से अगर कैरेटिन और डर्ट और डस्ट जो है वो पोर्स में फंसती चली जाएगी और क्या कहते हैं, हम उसकी क्लिंजिंग नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसकी जो है वो डीप क्लिंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी ब्लैक हेड्स बनेंगे। तो फिर ये होता है कि जब वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हमने करना क्या है। क्या हमारी स्किन ऑयली है या ऑयली रह रही है इसकी वजह से बन रहे हैं, हमारी स्किन ड्राई है इसकी वजह से बन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। समटाइम्स ये होता है कि लोगों की स्किन जो है वो ड्राई होती है लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जो अनसुटेबल मॉइस्चराइजर्स हैं वो लगा रहे होते हैं और क्लिंजिंग नहीं कर रहे होते, तो उनके वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन ऑयली होती है, सीबम ज़्यादा बनाती है, ऑयली स्किन होती है तो उसके ऊपर सीबम ज़्यादा बन रहा होता है, और उसके साथ साथ वो अप्रोप्रिएट तरीके से या सूटेबल तरीके से अपनी स्किन की जो है वो क्लिंजिंग नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लैक हेड्स बन रहे होते हैं। अब वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स तो बन रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही होती है कि हम कहाँ गलत हैं। क्या हमारा कोई प्रोडक्ट गलत है? क्या हमारी रूटीन में कोई इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है? और इसके अलावा ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे फेस के ऊपर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन रहे हैं? तो उसका जो एक उसके जो मेन रीज़न्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि क्या चीज़ हमने नहीं करनी, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आज की बहुत बड़ी न्यूज़, अ गुड न्यूज़, बल्कि अभी के लिए हैप्पी न्यूज़। और वो ये है कि जिस तरह आप लोग जो है वो हमें YouTube पे ज्वाइन करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस भेजते जाएंगे, तो आज जो है वो हमारा जब सेशन एंड होने वाला होगा तो उससे पहले
जो बैलेटिंग चल रही है, आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं तो पीछे से हम जो है वो बैलेटिंग कर रहे हैं, तो कोई एक जो है वो लकी बंदा होगा जिसको आज ही जो है वो हम अनाउंस करेंगे कि वो हमारा गिफ्ट हैम्पर जीता है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे लाइव सेशन में आना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। वही जो आप कमेंट्स भेज रहे होंगे हमें ज्वाइन करने के बाद, उसी में से हम बैलेटिंग करके और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम एक लकी विनर जो है उसको अनाउंस करेंगे। तो जल्दी जल्दी सबको बता दें, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी फैमिली है, उन सबको बता दें कि वो ज्वाइन कर लें और देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ सेशन कौन लकी विनर रहेगा, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स अगर आपकी स्किन पे बन रहे हैं तो आपने नहीं करनी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने क्या नहीं करना, क्या अवॉइड करना है। आपने जी दो चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो अपने हाथों से प्रेस करके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को आपने बिल्कुल निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपका इन्फेक्शन बनेगा, इन्फेक्शन क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव हो जाएगी आपकी स्किन, उसके ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इवन पिंपल्स भी बन सकते हैं। उसके अलावा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स तो जाएंगे ही नहीं, वो भी बनते रहेंगे। तो अपनी स्किन को ख़राब ना करें, अपनी स्किन को गंदा ना करें, और ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना, क्योंकि आप जितना प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ख़राब होगी, इरिटेट होगी, इवन आपकी स्किन पे निशान भी पड़ सकते हैं। लोग तो नीडल्स ले लेके जी, हमने नीडल को अल्कोहल स्वैप से साफ करके और नीडल से हमने निकालना शुरू कर दिया, आप सोचें उससे क्या होगा, उससे बहुत बुरा होगा, वो सब ना करें। उसके बाद आ जाता है कि अपनी स्किन को खींचे नहीं। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं और स्किन के ऊपर किए जा रहे होते हैं, उससे स्किन के ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बल्कि और ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। वो क्या होता है, पोर्स जो आपका सेबेशियस ग्लैंड है ना, वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाते हैं और उससे फिर ये और भी ज़्यादा बनते हैं। वो क्या है जी, हाँ, जितने भी पुलिंग, हेयर को पुल करने वाले मेथड्स होते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स, जैसे क्या कहते हैं, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, या फिर ट्वीज़र से आप ऐसे निकालते हैं बालों को, इन सब से जो है वो क्या होगा, इन सब से जो है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेट हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना ज़्यादा हो सकते हैं। एक और काम जो आपने बिल्कुल नहीं करना वो क्या है, वो है जी स्टीम ले ली, और स्टीम लेने के बाद सारे के सारे पोर्स खुल गए, उसके बाद दबा दबा के अपनी तरफ से आपने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकाल लिए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये होता है कि आपके पोर्स जो हैं वो खुले रह जाते हैं, और जब वो खुले रह जाते हैं तो उसके अंदर फिर दोबारा सीबम बनेगा और वाइट हेड बन जाएगा, और उसके अंदर कैरेटिन प्लग बनेगा, डर्ट फंसेगी, और फिर दोबारा से जो है वो ब्लैक हेड बन जाएगा। तो ये उसका तरीका नहीं है, ये उसका सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है वो स्टीम दे के सारे पोर्स खोल लें और आपको लगे कि अभी तो मैंने दबा के सफाई कर ली है, और उसके थोड़े देर के बाद आप देखें, थोड़े दिनों में देखें तो वो फिर दोबारा आपके उतने ही वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आ जाएंगे। एक और चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें मैं दो तीन चीज़ों की जो होम रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं उनका नाम लेने लगी हूँ। ये चीज़ें होम रेमेडीज़ हैं और लोग बड़े कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, पर इट्स वेरी डेंजरस फॉर द स्किन। एक तो स्किन के ऊपर लेमन यूज़ करना, फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली लेमन यूज़ करना या डायरेक्टली एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना, और या फिर स्किन के ऊपर डायरेक्टली बेकिंग सोडा यूज़ करना, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब मैंने आपको अवॉइड करने वाले पॉइंट्स बता दिए, अब हम आ जाते हैं कि हम अपनी रूटीन में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए जी। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है कि अपनी स्किन की सफाई का ख्याल रखना, यानी कि स्किन को वॉश करना, खाली वॉश नहीं करना, सूटेबल फेस वॉश से वॉश करना या सूटेबल चीज़ से वॉश करना जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो, वो बहुत ज़रूरी है, खाली वॉश करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लिंजिंग करना। क्लिंजिंग क्या होता है, क्लिंजिंग जो है वो आपके पोर्स की डीप क्लिंजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो क्लिंजर्स होते हैं और जो क्लिंजिंग बाम्स होती हैं, क्लिंजिंग जेल्स होते हैं, क्लिंजिंग पेस्ट होती हैं, ठीक है। क्लिंजिंग करना स्किन के ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लिंजिंग करेंगे तो आपके पोर्स जो हैं वो डीपली साफ़ हो जाएंगे। जब वो साफ़ हो जाएंगे या साफ़ रहेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ना वाइट हेड्स बन सकेंगे, क्योंकि सीबम एक्यूमुलेट ही नहीं हो सकेगा, और ना ही कैरेटिन प्लग्स बनेंगे, और उसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्लिंजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर आ जाते हैं एक्सफोलिएट करना।
एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है? एक्सफोलिएशन इसलिए ज़रूरी है कि वो डेड सेल्स को उतारती है, डेड सेल्स को हटाती है, तो उसकी वजह से सफाई करना आसान हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो भी रिज़ल्ट है आपकी क्लेंजिंग का या आपके वॉश का, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर अब जो भी आपकी रिजीम है, जो भी आपकी स्किन रूटीन है, वो ज़्यादा अच्छा काम करी है और आपकी स्किन जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सूटेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना, या जो डेली के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके मॉइस्चराइजर्स आते हैं, आपका मेकअप आता है, आपका सनब्लॉक आता है, ये सारे आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये सूटेबल नहीं होंगे स्किन के लिए तो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि आपने मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करना है वो कैसा लें, वो जी आप लेंगे ऑयल फ्री, ठीक है। जितने भी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हों या दूसरे जो है वो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो सब आपके ऑयल फ्री होने चाहिए ताकि पोर्स क्लॉग ना हो, वो ऑयली प्रोडक्ट जो है वो आपके पोर्स के अंदर फंस ना जाए और फिर आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ना बने। इसके अलावा क्या आ जाता है? जी हाँ, आपने अगर मेकअप करना है और आप ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ अपने स्पॉन्जेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और अपने ब्रशेस को वॉश करें। अगर आप गंदे यूज़ करेंगे या गंदे यूज़ करते रहेंगे, उनकी पूर हाइजीन होगी, तो डेफिनेटली वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनने का चांस ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है जी कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जार्स में होते हैं, टब्स में होते हैं, जिसमें आप फिंगर डाल के उसको निकालते हैं और लगाते हैं। ऐसे जो पैकिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कंटेमिनेशन का, कि आपके हाथ गंदे थे, आपके फिंगर पे कोई और प्रोडक्ट लगा हुआ था, आपने उसको अंदर डाला, उस टब में डाला और उस जार में डाला और उसके बाद आपने उसको यूज़ किया, तो वो जो कंटेमिनेशन होती है वो बहुत इजीली हो जाती है जार्स में, टब्स में, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे नीट एंड क्लीन रखें। उसका क्या तरीका होता है? लगाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छी तरह साफ़ कर लें, एक प्रोडक्ट वाली फिंगर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ना डालें ताकि उसमें कोई चेंज ना आ जाए और कंटेमिनेशन ना हो, कुछ मिक्स ना हो जाए और वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगते हैं, टच करते हैं, उनको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसमें आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, आपके स्पॉन्जेस आते हैं, आपके ब्रशेस आते हैं, ये सब चीज़ें, ऐसे ब्रश वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे आपका लिप कलर है ब्रश वाला, वो आपने यूज़ कर लिया है तो साथ दूसरे को भी दे दिया है, वो शेयर कर रहा है, या आपने किसी का लेके शेयर किया है। टिंट होते हैं जिनके आगे ब्रशेस लगे हुए होते हैं, वो आप भी यूज़ कर रही हैं, कोई और भी यूज़ कर रहा है, शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कंटेमिनेशन का चांस बहुत हाई होता है और उसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि बालों को पीछे करके रखें। जी, ये भी एक बात है, बाल जो हैं अगर हर वक्त आपके यहाँ यहाँ तक पड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर इरिटेशन होगी और उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं कि आपने अपने स्कैल्प को वॉश करके रखना है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली होगा या ऑयली रह जाएगा तो आप देखेंगे कि फेस के पोर्स भी क्लॉग हो जाया करेंगे। स्कैल्प के ऑयल की बात कर रही हूँ, सर के ऊपर जो ऑयल आ जाता है या ऑयली स्कैल्प होता है, अगर आप उसको साफ नहीं रखेंगे तो आपके फेस के पोर्स भी क्लॉग होंगे और आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है जी। अब लास्ट में क्या आ जाता है कि आपने अपने पिलो कवर्स, यानी कि जो क्या कहते हैं, तकियों के गलाफ होते हैं, तकियों के जो कवर होते हैं, उनको साफ रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर आप सोते हैं, उसी के ऊपर आपका फेस जो है वो टच करता है। और पता ये चलता है कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श कपड़े के थे, या फिर जैसे बहुत सख्त कॉटन होती है इस किस्म के, या फिर आप जो उसके अलावा जो है वो साफ़ नहीं होंगे, तो फिर भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी टू डू लिस्ट, यानी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप अवॉइड करेंगे, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपकी स्किन पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ना बन सकें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले मैंने दोबारा से अनाउंस करना है, आप सब जो हैं वो हमें ज्वाइन करें यूट्यूब पे,
और उसके अलावा जो है हमें कमेंट्स करें, हमें क्वेश्चंस भेजें, जो भी आप कहना चाहते हैं, इवन आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ सेशन हम बैलेटिंग करेंगे और एक लकी विनर जो है वो अनाउंस करेंगे, जिनको हम जो जैसे ही हमसे डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको कल ही आपका गिफ्ट हैम्पर जो है वो डिस्पैच कर देंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। देखिए, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि क्लिंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको क्लिंजिंग के दो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। ये देखें, ये है, ये प्रोडक्ट है क्लिंजिंग के लिए, क्लिंजिंग क्ले है, पेस्ट कह लें, क्लिंजिंग के क्ले कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो है, ये जो बहुत ज़्यादा स्वेटी, ऑयली और यंग स्किन होती है, ये उनके ऊपर हम यूज़ करने के लिए देते हैं, बिकॉज ये जो है ये आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा, अब एक और जो मैं दिखा रही हूँ, ये बेसिकली जो है ये अगर थोड़ी मैच्योर, थोड़ी ड्राई, थोड़ी एजड स्किन है तो फिर ये वो यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लिंजिंग है। अब ये मैंने आपको दो जो है वो क्लिंजिंग पेस्ट या क्लिंजिंग क्लेज दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा, क्लिंजिंग करने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लें। क्लिंजिंग हमेशा जो है वो फेस वॉश करने से पहले की जाती है। 10 से 12 सेकंड क्लिंजिंग करने के लिए पूरे फेस की काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। ठीक है, और अगर आप फेस और नेक ले रहे हैं तो 15 मिनट बहुत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्नी प्रोन है, वो दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं, जैसे सुबह और रात को सोने से पहले 10 सेकंड कर लिया करें। और जिनकी स्किन नॉर्मल है या नॉर्मल टू ड्राई है, वो सिर्फ 1 दफ़ा रात को सोने से पहले जब फेस वॉश करना है तो उससे पहले 10 सेकंड्स के लिए क्लिंजिंग कर लें। अब मैं आपको एक्सफोलिएशन के प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये भी एक्सफोलिएंट है, और ये जो है जिनकी स्किन के ऊपर ब्लैमिशेस हैं, जिनकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़े हुए हैं, जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए आपने एक्सफोलिएशन करनी होती है। ठीक है, अब आपको एक और प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इसको देखिए। ये भी जो है एक्सफोलिएशन के लिए है, ये जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और ये जो है ये भी आपने 10 सेकंड्स के लिए करना होता है। अब मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं जो कि एक्सफोलिएशन के लिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सफोलिएशन जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई या एजड है, वो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें 10 सेकंड्स के लिए, और जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्वेटी है, एक्नी प्रोन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर आप जो है वो डेली भी कर सकते हैं फॉर 5-6 सेकेंड्स, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 10 सेकेंड्स के लिए ज़रूर कर लें। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको कुछ फेस वॉशेस दिखाने लगी हूँ। ये फेस वॉशेस जो हैं ये भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को कॉम्बैट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये जो है बहुत जेंटली जो है वो आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। उसी तरह से ये है, ये भी बहुत जेंटल तरीके से, कोई भी इसमें से ड्राइंग नहीं है, बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी स्किन को जो है वो नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत जेंटल तरीके से आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करेगा। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारी स्किन पे तो ढेरों ढेर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें समझ नहीं आती है कि हमने क्या करना है। उनके लिए ये मैं पावर पैक जो है वो दिखा रही हूँ फेस वॉश। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है या एक्टिव एक्नी है, एक्नी जिसको होती है उसके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स डेफिनेटली होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मैं आपको अक्सर पील करने का भी बताती हूँ कि पील भी करना चाहिए। जो AHA BHAs की पील्स होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, इस सेंस में कि वो आपकी स्किन के टर्न ओवर को स्किन सेल टर्न ओवर को नॉर्मलाइज रखती हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है, और आपकी स्किन में जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको कॉशियसली करना चाहिए थोड़ा सा यूज़। इसमें ये है कि बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, 15-20 डेज में 1 दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है, स्क्रब की तरह ही लगाना है डैम्प स्किन पे, और उसको 10 सेकंड्स के लिए आपने स्क्रब की तरह क्या कहते हैं रब करना है अपने फेस पे, और उसके बाद आप इसको वॉश कर दें। ठीक है, अच्छा, तो ये थे कुछ हमारे सेलियंट पॉइंट्स जिनको हमने कवर करना था।
अब हम आ जाते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी घर में क्या करना है। अब घर में करने वाली जो रेमेडीज़ हैं उसमें जो सेफ रेमेडीज़ हैं उसमें से एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हों तो वो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो आप ट्राई ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने चावल लेने हैं, चावलों को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ कर लें। साफ करने के बाद आप चावलों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने चंद कतरे पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लेनी है। जब उसकी पेस्ट बन जाएगी तो आपने उसको डैम्प स्किन पे यानी कि हल्की गीली स्किन के ऊपर जो है वो आपने जस्ट लाइक नॉर्मल रबिंग मोशन जो हम स्किन के ऊपर करते हैं एक्सफोलिएशन के लिए या फिर ये कि स्किन को साफ़ करने के लिए क्लेंजिंग के लिए, वो आपने करना है। तो ये बहुत ही इजी वे है जिससे आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं और डीपली साफ हो जाएगा। अगर तो किसी की स्किन जो है वो थोड़ी मैच्योर है, उसके ऊपर थोड़ी पिगमेंटेशन भी है, तो आप हल्का सा मिल्क इसके अंदर ऐड कर लें। मिल्क जो है वो ड्राई पाउडर नहीं मैं कह रही हूँ, आप नॉर्मल जो खुला दूध या कोई सा भी दूध जो आपके पास होता है जो कि बॉयल ना हुआ हो उसको आप थोड़ा सा पानी की जगह थोड़ा सा उसको ऐड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, ब्लेमिशेस वाली, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वाली, और उसके अलावा एक्नी भी थोड़ी बहुत चल रही होती है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो इसके अंदर खीरे का जूस डाल दें पानी की बजाय और फिर इसको यूज़ कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगी, फिर भी कॉशियस रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अगर आप घर में ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये मैं बताती हूँ आपको इस अनाउंसमेंट के बाद कि आज की बड़ी अनाउंसमेंट क्या है। वो है जी कि आप सब जो है वो हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर लें, हमें कमेंट्स करते रहें और उसके साथ साथ जो है हमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहें। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम आज का कोई एक लकी विनर जो बैलेटिंग के थ्रू निकलेंगे उनको उनका नाम अनाउंस कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आप ये सब कुछ घर में कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए हम ज़्यादातर क्या चीज़ें देते हैं, हम सैलिसिलिक एसिड के प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके अलावा हम ट्रेटिनोइन लगाने के लिए ट्रेटिनोइन के प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके साथ साथ जो है वो हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हेल्प आउट करती हैं वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को मिनिमाइज़ करने में, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप ना करें क्योंकि अगर आपको हम मेडिसिन भी देते हैं और उसके साथ आप अपनी वो वाली चीज़ें या वो वाली रूटीन रखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली तंग करेगी, तो उससे आपने बचाना है अपने आप को। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अगर हम लगाने के लिए एप्लीकेशंस भी देते हैं लेकिन स्किन की जो क्या कहते हैं रिकवरी है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही होती है तो फिर हम क्लिनिक के अंदर जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो डीप क्लिनजिंग करने के लिए होती है, वो आपके पोर्स की डीप क्लिनजिंग कर देगी तो उससे ऑटोमेटिकली वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं फ्री रेडिकल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं तो स्किन हेल्दी होती है और स्किन जो है उसके ऊपर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना कम हो जाते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड के पील्स भी किए जाते हैं। सैलिसिलिक एसिड के पील्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो भी आपकी जो सीबम आ रहा होता है जो वाइट हेड्स होते हैं उनको कंट्रोल में है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये केराटोलिटिक होता है तो ये ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करता है तो सैलिसिलिक एसिड के पील्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर आ जाता है कि माइक्रोडर्मेब्रेशन किए जाते हैं। माइक्रोडर्मेब्रेशन जो होती है वो आपके क्लॉग्ड पोर्स को ओपन अप करने के लिए बहुत अच्छी होती है और जब हम माइक्रोडर्मेब्रेशन करते हैं तो डेड सेल्स और डेड स्किन भी हटती है और उसके साथ साथ जो है वो आपके क्लॉग्ड पोर्स जो होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं तो डेफिनेटली वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे और मैंने अब आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाए हैं, मैंने डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको होम घर में आपने रेमेडी क्या कर सकते हैं वो भी बता दी है और उसके साथ साथ अगर कंट्रोल में नहीं आता तो फिर आपने डॉक्टर के पास आना है और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनसे आप जो है वो अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। चलें जी, अब आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर या उनके रिप्लाई शुरू करते हैं। हफ्सा उबैद के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी सूटिकल्स का AHA 8% यूज़ करने के बाद विटामिन सी या नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं,
क्या जी बिल्कुल कर सकते हैं। विटामिन सी और नाइट क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं कर सकते वो ग्लाइकोलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें उस दिन रात को, और जो अगर ट्रेटिनोइन वाले प्रोडक्ट्स हैं तो वो यूज़ ना करें क्योंकि वो इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्सा उबैद कह रही हैं कि आप फेस को मिसलर वाटर से क्लीन करें, सनस्क्रीन रीअप्लाई करके सनस्क्रीन रीअप्लाई कर सकते हैं, या फेस को हर 2 घंटे के बाद वॉश करके लगाएं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, 2 घंटे तो खैर बहुत कम टाइम है, आप इवन इसको जो है वो 4 to 5 hours तक लेके जा सकते हैं। अगर आप फेस वॉश कर सकते हैं तो वॉश करके रीअप्लाई कर लें, अगर वॉश नहीं किया जा सकता तो फिर आप मिसलर वाटर होता है या बहुत अच्छे अच्छे जो है वो टोनर प्लस क्लिंजर्स होते हैं उसको कॉटन पे डाल के उससे साफ करके वाइप करके और फिर दोबारा से अपना सनब्लॉक लगा सकते हैं। क्योंकि देखें अगर आपके प्रोडक्ट्स जैसे सनब्लॉक है जो कि आपके यूज़ में रहता है वो भी अगर आपके पोर्स के अंदर रह जाएगा घंटों के लिए तो डेफिनेटली आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनने हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा इसको साफ़ करके 5-6 घंटे के बाद, इसको लिमिट 6 hours रखें, उसके बाद इसको साफ़ कर लें और साफ़ करके दोबारा रीअप्लाई कर लें, चाहे वो आपका मेकअप है, सनब्लॉक है, मॉइस्चराइज़र है, कोई सीरम है, कोई क्रीम है। मून स्काई कह रहे हैं ब्लैक हेड मेरे नोज़ पर है, कभी कुछ यूज़ नहीं किया, कोई टिप्स बता दें। मून स्काई, मैंने अभी आपको बताया कि आप घर में क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या आपने अवॉइड करना है। एक तो दबा दबा के निकालने को अवॉइड कर दें, स्टीम दे के बाहर निकालने को अवॉइड कर दें, सुइयों से इसको निकालने को अवॉइड कर दें। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट ना लगाएं, इसके साथ साथ जो है वो लेमन जूस ना लगा लें या बेकिंग सोडा जो है वो डायरेक्टली ना लगा लें, ठीक है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि आप चावल ले लें, उनको अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लें, उनको जो है वो पीस लें और एक जो है वो ग्रैन्यूलर सा पाउडर बना लें, उसके अंदर हल्का सा पानी डालें, पेस्ट की तरह, पेस्ट से भी कम इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उससे जो है वो आप रबिंग एक्शन देंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स तो ये बहुत बेहतर रहना शुरू हो जाएंगे। हफ्सा उबैद कह रही हैं लाइट एक्नी स्कार को ख़त्म करने की कोई क्रीम बता दें, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक स्कार को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं, न्यू ई जेल भी है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी सिलिकॉन बेस्ड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर इट डिपेंड्स कि आपका स्कार कैसा है। हर स्कार ये वाली जेल्स या ये वाली क्रीम्स को यूज़ करके नहीं जा सकता, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, आप डेफिनेटली करें। आप इसको दिन में 2 दफ़ा जो है वो अपने स्कार पे टच करें और एटलीस्ट 6 to 8 weeks अप्लाई करें, उसके बाद आप रीअसेस कर लें। मून स्काई कह रहे हैं वाइट हेयर के लिए कोई शैम्पू बता दें, वाइट हेयर के लिए कोई स्पेसिफिक शैम्पू तो नहीं होता, लेकिन अगर वाइट हेयर आपको गंदले गंदले लगते हैं तो फिर ब्लू शैम्पू यूज़ करते हैं। जब आप ब्लू शैम्पू यूज़ करेंगे तो उससे आपके बालों का जो वाइट कलर है वो बहुत प्यारा साफ सुथरा सा सिल्वरी वाइट हो जाएगा और वो कभी गंदा नहीं लगता, हमेशा अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हफ्सा उबैद कह रही है क्या स्किन और इन क्रीम को ड्राई एक्नी जो छोटी छोटी होती है उन पर लगा सकते हैं, क्या ये क्रीम एक्नी स्पॉट ख़त्म करती है। स्किन और इन क्रीम बहुत अच्छी है, एजेलिक एसिड इसके अंदर होता है, एजेलिक एसिड दोनों चीज़ों को हेल्प करता है ख़त्म करने में, आपकी जो पिंपल्स या एक्नी होती है उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करता है और जो निशान या स्पॉट्स होते हैं पोस्ट एक्नी स्पॉट्स उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एजेलिक एसिड जो है वो बहुत आसानी से स्किन को इरीटेट कर सकता होता है, ठीक है, तो बहुत कॉशियसली बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में आप उसको टच करें, उससे ज़्यादा ना लगाएं और सिर्फ रात को लगता है। मून स्काई कह रहे हैं लाइकन प्लैनस कौन सी डिजीज़ है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। लाइकन प्लैनस जो होती है इसमें लाइकनॉइड इरप्शंस होती हैं, पर्पलिश ब्लूइश सा कलर होता है, पॉलीगोनल होता है, जैसे बहुत सारे इसके एजेस हों, जैसे 5-6 इसके जो हैं वो एजेस होंगे, ये राउंड नहीं होते, इसके स्पॉट्स राउंड नहीं होते, इसके स्पॉट्स जो हैं वो कॉर्नर्स वाले होते हैं, एटलीस्ट 5 कॉर्नर्ड होते हैं, ठीक है, पॉलीगोनल कह रहे हैं ना, मुख्तलिफ तरह के इसके एंगल्स के ऊपर जो है वो कॉर्नर्स होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इच्छी होता है, बहुत ही इच्छी कंडीशन है, और समटाइम्स ये कंडीशन जो है ये किसी चीज़ को लगाने से ठीक नहीं होती है और ख़ुद से जाने में इसको 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली आपकी जो डिज़ीज़ है ये ज़्यादातर पाकिस्तानी रेस में नहीं होती है, ये ज़्यादातर एफ्रो अमेरिकन जो स्किन्स होती हैं उसकी डिज़ीज़ है, लेकिन हम देखते हैं, कॉमन तो नहीं है बट हो सकती है, हम देखते हैं पाकिस्तानी रेस में भी इसको देखते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है, वैसे तो ज़्यादातर स्टेरॉयडल प्रेपरेशंस ही दिए जाते हैं और सिम्टोमेटिक जो इरिटेशन इसमें ख़ारिश क्योंकि बहुत होती है उसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो लगाने या खाने के लिए दिया जाता है,
समटाइम्स ये जल्दी ठीक हो जाती है, नहीं तो जो ये सेल्फ इन्वोल्यूटिंग होती है, यानी कि क्या कहते हैं, खुद से रिकवर होने वाली होती है, बट इट टेक्स टाइम। ये 6 महीने से क्या कहते हैं 2 साल लग सकते हैं इसके जाने में, इसके ख़त्म होने में, ठीक है। हफ्सा उबैद कह रही है टोनर, नाइट क्रीम, सिरम, सनस्क्रीन, एक्ने क्रीम, इन सब का बता दें कि ड्राई फेस पर यूज़ करना है या डैम फेस पर। यार इसमें से कोई चीज़ आपने डैम फेस पर यूज़ नहीं करनी, सारी की सारी ड्राई पर करनी है। फेस वॉश करने के बाद जो पहली चीज़ करनी होती है वो आपका टोनर है, नाइट क्रीम भी आपने ऐसे ही लगानी है, ड्राई स्किन पे सिरम भी ऐसे ही लगाना है, सनस्क्रीन भी ऐसे ही, एक्ने क्रीम भी, सब कुछ ड्राई स्किन पे लग रहा है, कुछ भी इसमें से डैम पे नहीं लग रहा, ठीक है। मून स्काई कह रहे हैं कि हाउ टू गेट क्लियर ग्लोइंग स्पॉटलेस स्किन, होम रेमेडीज़ बता दें। अच्छा मून स्काई, मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ बताती हूँ, लेकिन मैंने इन जनरल क्योंकि देखे बगैर आपको बतानी होती है तो मैं बहुत सेफ वाली आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी आपकी स्किन हेल्दी रहे, तो अभी देखिए मैंने आपको एक्सफोलिएशन और डीप क्लेंजिंग के लिए जो बताया है, अगर आप इसे ही हफ्ते में 2 दफ़ा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से बहुत बेहतर रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। रज़ा अली कह रहे हैं टीनेज बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स के हेयर रिमूव किससे करने चाहिए? जैसे बड़ों के करने चाहिए, टीनेजर जब उसके बाल आ गए हैं तो आप उसी तरह रिमूव करेंगे। अगर आप बालों को खींचते जाएंगे तो हर स्किन को खींचना पसंद नहीं आता, हर स्किन जो है वो वैक्सिंग पसंद नहीं करती है, उसी तरह हर स्किन जो है वो डेपिलेटरी क्रीम यानी हेयर रिमूविंग क्रीम पसंद नहीं करती है। जब आप करना शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस स्किन को ये मेथड पसंद आ रहा है या नहीं, तो आप मेथड को स्विच कर सकते हैं। और अगर कुछ भी स्किन को पसंद नहीं आ रहा, उसके ऊपर फॉलिकुलाइटिस यानी छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, इनग्रोन हेयर बन जाते हैं, या एलर्जी हो जाती है, डर्माटाइटिस हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आप वैक्सिंग या डेपिलेटरी क्रीम तो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या कर सकेंगे उसमें, फिर यही होता है कि फिर आप लेज़र करा लेते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट या एज की बात नहीं है, आप जब टीनेजर जो है वो ये इन बालों को क्लियर करना, अनवांटेड हेयर जो है प्राइवेट पार्ट से अनवांटेड हेयर को हटाना शुरू करेंगे, और अगर उनकी स्किन को वो मेथड यूज़ सूट नहीं कर रहा, कन्वेंशनल मेथड जो आप एक स्टार्ट करेंगे, तो वो दूसरे कन्वेंशनल मेथड पे चले जाएं, उससे ठीक रहता है तो वेल एंड गुड। और अगर किसी भी कन्वेंशनल मेथड से उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो आपको लेज़र ही कराना पड़ता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन या चॉइस नहीं होती। मून स्काई कह रहे हैं वायरल वॉट्स हैंड एंड फीट पर हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वॉट्स जो हैं उनको आपको जलाना ही पड़ता है, उनको ख़त्म ही करना पड़ता है, लेज़र से भी किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, कॉटरी भी कराई जा सकती है। याद रखें जब तक के हम जहाँ पे इसके रूट्स हैं यानी कि अंदर वाली साइड पे इसके रूट्स ज़रूर होते हैं वॉट्स के, अगर हम रूट्स तक रूट को रिमूव नहीं करेंगे या रूट को बर्न नहीं करते हैं तो ये फिर दोबारा बन जाएगा, और ये एक जगह पे बनता है तो बाकी बहुत सारी जगहों पे बहुत आसानी से फैल जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ बने हुए हैं उनको एक ही टाइम पर रिमूव कराना बहुत ज़रूरी है। हफ्सा उबैद कह रही है जब बी सूटिकल्स का बी वाइट फोम 3% यूज़ करें तो उससे पहले फेस वॉश भी यूज़ करें या नहीं? अच्छा तो यही होता है, देखें तरीका जो है, जो ऑर्डर है वो मैं आपको बता दूं, पहले क्लिनजिंग की जाती है, उसके बाद फेस वॉश किया जाता है, फिर एक्सफोलिएट किया जाता है, फिर आप उसके ऊपर मास्क लगा सकते हैं, मास्क को वॉश करने के बाद या उतारने के बाद टोनर लगाया जाता है, और फिर उसके ऊपर कोई सिरम लगा सकते हैं, सिरम के बाद जो है वो क्रीम्स लगती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से कहती हूँ, आपने पहले जो है वो क्लिनजिंग हमेशा पहले की जाती है, फिर फेस वॉश किया जाता है, और फिर उसके ऊपर एक्सफोलिएशन की जाती है, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप क्या कहते हैं मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। मून स्काई कह रहे हैं मैम फैमिली को कब इंट्रोड्यूस करवाएंगी? इस बात को 1 ईयर हो गया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फैमिली जो है वो इतनी बिजी होती है, इस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, उनकी ट्यूशंस चल रही होती हैं या उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो वो टाइम जो है वो बन ही नहीं पाता। बट आई थिंक किसी ओकेजन पे जो है वो हम एक छोटा सा गेट टुगेदर टाइप का रख लेंगे जिसमें जो है वो आप सबकी फैमिली से मुलाकात हो जाए। कलीमुल्ला कह रहे हैं सलाम मैम, आपकी क्लिनजिंग मेथड से एक्ने बहुत कंट्रोल हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे ओपन पोर्स हैं और स्किन बहुत ऑयली है, कलर भी ख़राब है, प्लीज़ कुछ बता दें। अच्छा देखिए मैंने अभी बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं आपको, अगर जो है वो आप क्लिनजिंग और फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो एक्सफोलिएशन को ऐड कर लें, अगर आप जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं कर रहे अपना फेस वॉश तो उसको भी ऐड कर लें। तो जब सारी चीज़ें एडेड होंगी तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप ओपन पोर्स के लिए जो है
वो यूज़ कर सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम। ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम जो है वो इसी नाम से आती है, 10% आप ले लें और रोज़ रात को आप थोड़ा सा लगाना शुरू करेंगे फेस वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, तो आप देखेंगे कि ओपन पोर्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कलर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रसाली कह रहे हैं बेपैंथोल लोशन फेस पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे उन्होंने बनाया तो नहीं हुआ ये फेस के लिए, बेसिकली इट्स ए बॉडी लोशन, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगी, सजेस्ट नहीं करूँगी। आयशा खान कह रही है सलाम मैम, बॉडी के बाल वैक्स से रिमूव कर सकते हैं, लेज़र नहीं अफोर्ड कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये होती है कि हर स्किन जो होती है वो उसके लिए वैक्स सूटेबल नहीं होती है। बहुत सारी स्किन्स ऐसी होंगी कि वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर इनग्रोन हेयर बनना शुरू हो जाएंगी, स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाएगी, या फिर ये कि इवन पिगमेंटेशन भी हो सकती है, तो ये इशू होता है, करने को तो आप कर सकते हैं। जमेरिया मलिक कह रही है मैम मेरी आईज़ बहुत पफ़ी हो गई हैं, अपर आईलेट सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लीज़ मुझे कुछ बताएं, कोई टेस्ट वगैरह तो बता दें कुछ प्लीज़। जवेरिया ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अपर आईलिड्स आपके जो हैं वो पफ़ी रह रहे हैं तो मुझे देख के ही समझ में आ सकेगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत लाइट सा जो है वो सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है, जिसकी वजह से जो है वो अपर आईलिड्स ऐसे रह रहे होते हैं। हाँ, अगर आप मुझे कहते कि लोअर लिड्स जो हैं वो पफ़ी रहते हैं तो फिर मैं आपको टेस्ट बता देती। मेरा ये ख्याल है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप मुझे दिखा लें, मुझे नहीं दिखाना, किसी और को दिखा लें, उससे ये आसानी होगी कि हमें पता होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं और आपको उसका क्या आउटकम, क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मेरा तो यही सजेशन है। निदा मिर्ज़ा कह रही है सलाम मैम, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट रेटिनॉल एंड ग्लाइकोलिक एसिड इन आवर स्किन केयर रूटीन, आई हैव ऑयली स्किन एंड यूज ज़ैपसिड फेस वॉश। मेरा ये ख्याल है कि जब तक आपको ग्लाइकोलिक एसिड का प्रोडक्ट या फिर ट्रेटिनॉइन का प्रोडक्ट जो है वो डॉक्टर देख के ना लिखे, आप ना लगाएं, आप इसके ट्राई ना मारें, क्योंकि आपने ट्राई भी करना है तो इसने आपको प्रॉब्लम ही देना है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको देख के उसके बाद ही आपको दें। तो आप जिसको भी दिखा रहे हो या मुझे दिखा रहे हो तो उसी को फॉलो करते हुए, जब जो भी आपका फॉलो अप रीविजिट होगा उसी के ऊपर आप डिस्कस कर लो, और वो कोई चीज़ आपको देना चाह रहे होंगे इसके साथ जो स्किन को इरिटेट ना करे तो वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अलीज़ा खान कह रही है डॉक्टर मैंने जब से एक्टिव लगाना स्टार्ट किया है डे एंड नाइट स्किन के रूटीन स्टार्ट की हैं, डे में वाइटामिन सी सनब्लॉक एंड नाइट में थ्राइस वीकली नाइसिनामाइड एंड थ्राइस अल्फा आर्बुटिन। तो क्या हुआ अलीज़ खान? हाँ, वंस अ वीक ग्लाइकोलिक एसिड, मेरा कलर बहुत डार्क हो गया है, व्हाट शुड आई डू? ये आपको किसने कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है कि आप आर्बुटिन, अल्फा आर्बुटिन भी लगाई जा रही हैं, ग्लाइकोलिक एसिड भी लगाई जा रही हैं, नाइसिनामाइड भी लगाई जा रही हैं? देखें, अगर आप लोगों को विटामिन सी भी लगा रही हैं, अगर आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन प्रोविजन मिल गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑर्डिनरी या दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगा के खुद ही लगाए जा रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, हम हो सकता है कि आपकी स्किन के लिए ये कॉम्बिनेशन सूटेबल नहीं है, लेकिन कैसे पता चले? अब मैंने तो नहीं देखी आपकी स्किन, आप प्लीज़ जब तक डॉक्टर रेकमेंड ना करे ऐसे ही एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, एक्टिव एसिड्स उठा उठा के या फिर एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स वाले सीरम्स उठा उठा के मत लगाएं। आप नायासिनामाइड भी लगा रही हैं, ग्लाइकोलिक एसिड भी लगा रही हैं, वाइटामिन सी भी लगा रही हैं, अल्फा आर्बुटिन भी लगा रही हैं, अब क्या चाह रही हैं? अगर ये सब कुछ आपको सूट कर रहा होता तो आपकी स्किन ऐसी तो ना होती कि आप कंप्लेन कर रही होती मुझसे कि मुझे ये लग रहा है कि मेरी स्किन का कलर ख़राब हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग जो कि आपकी स्किन को पसंद नहीं आ रहा, वो आपकी रूटीन हो सकती है, वो आपका मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ है वो हो सकता है। तो प्लीज़ बी कॉशियस, जब तक डॉक्टर आपको आपकी स्किन देख के ये ना बताए कि आपने किस वक्त क्या लगाना है और आप क्या अपनी रिजीम रख सकते हैं, तब तक ना यूज़ करें कि आपको ऑर्डिनरी या दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरी कंपनीज के अवेलेबल हैं ऑनलाइन तो आप मंगा के लगाना शुरू कर दें, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इससे स्किन इरिटेट हो सकती है। निदा मिर्ज़ा कह रही हैं नहीं, जवेरिया मलिक कह रही हैं मेरी लिप्स पिंक हैं बट कॉर्नर्स डार्क हैं, किसी ने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन है, प्लीज़ कुछ बता दें। अच्छा, इसके अंदर आपने ये करना है कि आप अपनी टूथपेस्ट देख लें और ये देख लें कि आप सलाइवा तो नहीं आपका यहाँ पे इकट्ठा रहता और आप यहाँ पे जो है वो बार बार जबान तो नहीं फेरते, लिप लिकिंग तो नहीं करते, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है वो यहाँ पे डार्क कलर आता है, तो उसको ज़रूर देख लें, इन सब पॉइंट्स को देख लें।
निदा मिर्जा कह रही है, डू वी नीड टू यूज बी सी ए एच ए एक्सफोलिएट इफ यूजिंग रेटिनॉल एंड ग्लाइकोलिक एसिड? अगर तो ये आपको किसी डॉक्टर ने कॉम्बिनेशन बताया है तो फिर तो जाहिर है उन्होंने बताया होगा कि आपने कैसे कैसे यूज़ करना है. अगर डॉक्टर ने नहीं बताया, अपने बिहाफ पे पूछ रही हैं, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है कि मैं कह दूं कि हाँ ये सामने मैंने रखे हुए हैं और जिसका दिल करता है वो ये लगाना शुरू कर दे और उसे कुछ नहीं होगा. डेफिनेटली स्किन इरीटेट हो सकती है, तो प्लीज़ जब तक डॉक्टर ना आपको कहे तब तक ना लगाएं. ज़ैनब अहमद कह रही हैं, कैन यू अप्लाई एंटी रिंकल सीरम ओवर वाइटामिन सी सीरम एंड प्लीज़ सजेस्ट एनी ड्रिंकेबल पाउडर्ड कॉलेजन? जो ड्रिंकेबल कॉलेजन्स हैं वो क्लिनिक पे अवेलेबल हैं, आप कॉल करके उनके फ्लेवर या जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है कि वाइटामिन सी सीरम जो है वो एंटी रिंकल सीरम जो है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं. इट्स बेटर कि आप आप वाइटामिन सी सीरम डे में यूज़ कर लिया करें सनब्लॉक से पहले, और जो एंटी एजिंग है वो रात को सोने से पहले आप लगा लेंगे, तो ये बहुत ईजी और सेफ जो है वो आपके लिए रहेगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब ये सब हो गया, अब मैं जल्दी से ये देख लूँ कि आज का लकी विनर कौन है. ठीक है, लेट मी चेक. देख रहे हैं. जी, विनर अनाउंस करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, लेट मी चेक. ठीक है, तो जी आज की विनर हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन भेजा था, सबसे पहले ज्वाइन किया था, उनका नाम है हफ्सा उबैद. ठीक है जी, आज की हमारी जो लाइव सेशन की विनर हैं उनका नाम है हफ्सा उबैद. आपको बहुत बहुत क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप जितनी जल्दी अपनी डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगी उतनी जल्दी ही हम आपको आपका गिफ्ट हैम्पर भिजवा देंगे. तो हमारी तरफ से आपको जो है वो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, और आप जितनी जल्दी अपनी डिटेल्स शेयर करेंगी उतनी ही जल्दी हम आपको आपका गिफ्ट हैम्पर पहुँचा देंगे. ठीक है जी, तो आज के लाइव सेशन की विनर हैं हफ्सा उबैद, क्योंकि हफ्सा उबैद जो हैं एक तो जो उनके लॉजिकल क्वेश्चंस थे मुझे वो अच्छे लगे, और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया था और क्या कहते हैं क्वेश्चंस हमें भेजना शुरू किए थे. ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीक आपसे फिर दोबारा मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़. विनर का नाम जो है वो बार बार लिखा हुआ आ रहा है सेशन के नीचे, और प्लीज़ जितनी जल्दी आप जो है वो हमसे अपने डिटेल्स शेयर करेंगी उतनी जल्दी हम आपको आपका गिफ्ट हैम्पर भिजवा सकेंगे. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़.